अभी तक आपने सुने हैं 6 अध्याय, अब शुरू करते हैं 7वां अध्याय। 7वें अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष धन के नाश को, मन के संताप को, गृहिणी के दोषों को, किसी धूर्त के द्वारा ठगे जाने को और अपमान को किसी को नहीं बताते हैं। यह मनुष्य की सहनशीलता की ओर इशारा करते हुए कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने परिवार के नुकसानों को और दोषों को छिपाकर सहन कर लेता है, क्योंकि उसका प्रदर्शन करने से केवल जगहंसाई ही होती है। ऐसी बातों को कभी भी अन्य व्यक्तियों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि कई बार संकोच की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य को हानि उठानी पड़ती है। मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि किसी भी आर्थिक व्यवहार में उसे लिखा पढ़ी कर लेनी चाहिए। इसमें उसे जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विद्या लेते समय, भोजन करते समय कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आगे समझाते हैं कि संतोष से सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है। याचक दीनता प्रकट करता है, धनी गर्व करता है तथा और अधिक की इच्छा करता है। जिसका धन नष्ट हो गया हो वह शोक करता है, पर जो संतोषी है वह सुखी रहता है। आगे समझाते हैं कि अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीन चीजों में संतोष रखना चाहिए और विद्या, अध्ययन, तप और दान करने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। जीवन में सजगता बहुत जरूरी है, इसलिए चाणक्य का कहना है कि दो ब्राह्मणों के बीच से गुजरने का अर्थ यही है कि आप उनके वाद विवाद में विघ्न डाल रहे हैं, अतः कभी उनके बीच से होकर ना निकले। ब्राह्मण और अग्नि के बीच से गुजरने का अर्थ यही है कि आप उनके अग्निहोत्र में विघ्न डाल रहे हैं। पति पत्नी तथा स्वामी और सेवक के बीच जब वार्तालाप चल रहा हो तब बीच में घुसकर आप उनकी बातों में विघ्न डालते हैं। इसी तरह बैल और हल के बीच से निकलते वक्त चोट लग जाने का भय बना रहता है, अतः इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे समझाते हैं कि पैर से अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृद्ध और बालक को कभी नहीं छूना चाहिए। इन्हें पैर से स्पर्श करने पर पाप लगता है, क्योंकि ये सभी आदरणीय हैं। चाणक्य कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 1000 हाथ दूर बचकर रहना चाहिए और दुष्ट पुरुष या राजा का देश छोड़ ही देना चाहिए। यहाँ वो ये समझाना चाहते हैं कि जो जितना अधिक दुष्ट है उससे उसी अनुपात में दूरी रखते हुए जीवन यापन करना अच्छा होता है। आगे समझाते हैं कि हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले बैल को डंडे से और दुष्ट व्यक्ति को वश करने के लिए हाथ में तलवार लेना आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुष्ट व्यक्ति को आसानी से ना तो वश में किया जा सकता है और ना ही उसे सुधारा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए कभी कभी उसे तलवार से चोट पहुंचानी पड़ती है और कभी कभी उसे खत्म भी करना पड़ता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों के गरजने से, साधु लोग दूसरों की समृद्धि देखकर और दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। आगे समझाते हैं कि अपने से शक्तिशाली शत्रु को विनय पूर्वक उसके अनुसार चलकर, दुर्बल शत्रु पर अपना प्रभाव डालकर और समान बल वाले शत्रु को अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से जैसा अवसर हो उसी के अनुसार व्यवहार करके अपने वश में करना चाहिए। शत्रु से व्यवहार करते समय इस बात की ओर इशारा किया है कि शत्रु से व्यवहार करने से पूर्व उसकी शक्ति और सामर्थ्य का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, ब्राह्मण की शक्ति उसके तत्व ज्ञान में और स्त्रियों की उनके सौंदर्य तथा माधुर्य में होती है। संसार में अत्यंत सरल और सीधा होना भी ठीक नहीं है। वन में जाकर देखो कि सीधे वृक्ष को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। इस बात में जीवन की सच्चाई की ओर संकेत किया है। सीधापन आदमी की कमजोरी का परिचायक माना जाता है। उसे हर कोई सताने लगता है, परंतु टेढ़े स्वभाव के दुष्ट व्यक्तियों से कोई भी उलझना नहीं चाहता, सभी उनसे बचना चाहते हैं। जिस सरोवर में जल रहता है हंस वही रहते हैं और सूखे सरोवर को छोड़ देते हैं। मनुष्य को ऐसे हंसों के समान नहीं होना चाहिए कि बार बार स्थान बदले। चाणक्य का मत है कि मनुष्य के लिए अपना स्वार्थ ही प्रमुख नहीं होना चाहिए। जिस स्थान विशेष से एक बार नाता जोड़ लिया जाए तो उसे कठिनाई आने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कमाए हुए धन का दान करते रहना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के पानी का बहते रहना ही उत्तम है। तालाब का पानी एक ही स्थान पर रुका रहेगा तो वह सड़ जाएगा। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं,
वही श्रेष्ठ पुरुषों की गिनती में गिना जाता है और वही थर्ड पार्ट से जीवन जीता है। चाणक्य कहते हैं कि धन के बिना कोई भी कार्य नहीं चलता है। धन परमात्मा तो नहीं है, परंतु उसका छोटा भाई अवश्य है। जिसके पास धन है वही कुलीन है, विद्वान है, शास्त्र यज्ञ है, गुणी है, वक्ता है। धन कमाओ मगर ईमानदारी से कमाओ। अत्यंत क्रोध करना, कड़वी वाणी बोलना, दरिद्रता और अपने सगे संबंधियों से वैर विरोध करना, नीच पुरुष का संग करना, छोटे कुल के व्यक्तियों की नौकरी अथवा सेवा करना, ये 6 दुर्गुण ऐसे हैं जिनसे युक्त मनुष्य को पृथ्वी लोक में ही नरक के दुखों का आभास होता है। मनुष्य यदि सिंह की मांद के पास जाता है तो गजमूती पाता है, और यदि सियार की मांद के पास जाता है तो बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा पाता है। भाव यह है कि बड़े लोगों के पास जाने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और छोटे तथा नीच लोगों की संगति करने से सिवाय दुख के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि बोलचाल अथवा वाणी में पवित्रता, मन की स्वच्छता और यहाँ तक कि इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र रखने का भी कोई महत्व नहीं होगा जब तक कि मनुष्य के मन में जीवन मात्र के लिए दया की भावना उत्पन्न नहीं होती है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि जिस प्रकार फूल में गंध, तीलों में तील, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि दिखाई न देने पर भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में दिखाई न देने वाली आत्मा निवास करती है। यह रहस्य ऐसा है, इसे विवेक से ही समझा जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस रहस्य को समझने का प्रयास करे। वह शरीर न होकर आत्मा है। आत्म रूपी तत्व इस देह में उसी प्रकार विद्यमान रहती है जिस तरह फूलों में गंध, तीलों में तेल और लकड़ी में अग्नि तथा गन्ने में मिठास और दूध में घी विद्यमान होने पर भी वह दिखाई नहीं देते, लेकिन वे उसमें हैं। इसी प्रकार हम सब में भी कई सारे गुण उपस्थित हैं। उन्हें पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। यह था अध्याय 7। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 8 की ओर।